विधानसभा चुनाव की मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो वही बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार अयोध्या के प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं और उनके द्वारा चुनावी सभा भी की जा रही है। इस चुनावी सभा को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव घनश्याम वर्मा ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने विनय कटियार पर तंज कसते हुए कहा कि विनय कटियार वर्तमान में कुछ नहीं है, उनके आगे अब सिर्फ पूर्व ही लगा है। बीजेपी ने कटियार को न तो पद दिया और न ही स्टार प्रचारक बनाया। बीजेपी उनसे प्रचार करने के लिए कह भी नहीं रही है, वो खाली है तो लोग लोकल स्तर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कटियार मजदूरी लेकर चुनाव में लोकल स्तर पर प्रचार कर रहे हैं। कटियार आज आए हैं, कुछ दिन बाद नाले में जाएगी। बीजेपी में उनकी जगह नाले में ही है। वही किसान आंदोलन को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव घनश्याम वर्मा ने कहा कि किसानों पर 13 महीने के हुए जुर्म का चुनाव में बदला लेगी, इस बार किसान बीजेपी को वोट नहीं देगा। देखिए विनय कटियार जी क्या है वर्तमान में, उनके आगे सब लगा है तो पूर्व ही लगा है, वर्तमान में कुछ है नहीं। और अगर भारतीय जनता पार्टी उनको कुछ समझती ही होती तो एक तो वर्तमान कोई पद देती, दूसरा ना कुछ देती तो स्टार प्रचारक बना देती। स्टार प्रचारक भी नहीं बनाई और ना भारतीय जनता पार्टी उनसे कह रही है कि आप प्रचार करो। ये तो यहां लोकल लोग हैं जो देख रहे हैं, कोई खाली है तो कहे चलो भाई हमारे खेत में काम कर दो, आप मजदूरी मिल जाएगी, तो कर रहे हैं काम वो मजदूरी पर। वो पूर्व हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी में कोई मतलब नहीं है और घूम रहे हैं, उसका कोई असर नहीं होगा जनता के प्रति। क्योंकि जिस समाज से वो आते हैं, कहते हैं कुर्मी बिरादरी से आते हैं, कुर्मी बिरादरी 90% प्रत्यक्ष रूप से खेती करती है और 10% अप्रत्यक्ष रूप से खेती करते हैं, यानी 100% वो खेती से उसका संबंध रहता। 13 महीने के आंदोलन में उनको ये पता नहीं चला कि हाँ कितने किसान मर गए, क्या सही है क्या गलत है। वो एक पत्र ही प्रधानमंत्री को लिखते कि भाई इस पर विचार हो जाए तो भी उनके भाषण पे हम विचार कर लेते। आज वो 5 साल बाद पता नहीं कहां आए हैं और फिर 5 दिन बाद फिर वो नाला में ही जाएंगे, उनका जगह नाला ही है और उनकी कोई जगह होगा नहीं भारतीय जनता पार्टी में, तो फिलहाल उनका कोई असर नहीं है, वो पूर्व हो चुके हैं, पूर्व ही रहेंगे। जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय जवान।